और खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता। हम तीन भाई हैं, बड़े बड़े भाई साहब कुलदीप भाई साहब, फिर उनसे छोटे जद्दी भाई साहब और सबसे छोटा मैं। मेरे से छोटी एक सिस्टर है, मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ। अभी भी है? अभी भी हूँ। अच्छा, भाई साहब ने 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ज्योतिर देवीलाल जी का उनके ऊपर बहुत बड़ा क्या आशीर्वाद था। देवीलाल जी ने उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया था और उन्हीं के आग्रह पे और 89 में दोनों से सांसद बने। सांसद बन के पीपी सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे भारत सरकार में। फिर भाई साहब ने अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा से और असेंबली मेंबर रहे। आप कांग्रेस में हैं और सर बीजेपी में हैं, तो कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। परिवार में क्या, परिवार की बातें होती हैं, परिवार के लोगों से राजनीतिक बात करना उचित ही नहीं होता है। इतना बड़ा संवैधानिक पद है और ये प्रदेश का नहीं पूरे क्या कि देश का है, तो इसमें प्रदेश को भी क्या कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वो एक साधारण खाना खाते हैं बस अपने घर में, और कोई नहीं घर में आते हैं तो कोई गवर्नर बन के नहीं आते, वो बहुत साधारण तरह से आते हैं। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.